हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल मोसिन एक्सप्लेन जी एस सी बी मेडीसी नाउ द क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर अब हम यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे कि दूसरा जो शीत विश्व युद्ध था यानी शांत ये जो कोल्ड वॉर उसके क्या क्या तकलीफें देखने को मिली ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर द यूएसए एंड द यूएसएस था यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया पोजेस्ड न्यूक्लियर वेपन एंड मिसाइल्स अब इस कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे क्यूबन तो क्राइसिस एक अलग ही है। उसके बारे में हम आगे डीपे डिटेल में समझेंगे इन दियर क्वेस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑस्टम अब दोनों देश दुनिया पे ना अपना राज्य चाहते थे क्वेस्ट मतलब दौड़ द सुपर पावर वर इंगेज इन न्यूक्लियर रेस अब दोनों जो राज्य थे देश थे वो अपने आप को न्यूक्लियरी दिन ब दिन स्ट्रांग बनाते जा रहे थे देयर एम्बिशन लेड टू लोकल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट लाइक द कोरियन वॉर एंड द वॉर इन वियतनाम अब ये जो दोनों की जो एम्बिशंस थी चाहत थी कि दुनिया का सुपर पावर जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे वॉर हुए जैसे कोरिया के साथ वॉर वियतनाम के साथ वॉर द स्मॉल नेशन फेल थ्रेटन एंड ज्वाइन इधर ऑफ दिस ग्रुप अब जो आसपास के पड़ोस के छोटे छोटे देश थे उन्होंने डर के मारे या तो रशिया को साथ दिया या अमेरिका का साथ दिया द म्यूचुअल सस्पेशन एंड फियर हैड क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ इंटरनेशनल टेंशन एंड बिकम अनबियरेबल एट दैट टाइम अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो जो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो शक कर रहे थे दोनों देशों को एक दूसरे देश के देशों को लेकर जो डर था वो पूरी दुनिया में टेंशन पैदा कर रहा था जो कि कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था दोनों देशों के लिए Now the Cold War resulted in neglect of human welfare as a huge fund वॉर spent on weaponry. अब ये कोल्ड वॉर की वजह से जो पैसा इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था वो वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था जिस तरीके से ये हमने जाना कि कोल्ड वॉर किस तरीके से कितने सारे मुसीबतें पूरी दुनिया के लिए लेकर आया था सोनाओ दिस आंसर एंड ओवर हियर एनी वन हैविंग एनी डाउट आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच